हेलो बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी पोएम पढ़ाऊंगी जो कि क्लास 5 से है, लेसन 9, मैरीज लैम, जिसका अर्थ होता है मैरी का भेड़ का बच्चा, जिसे सारा जोसेफा हेल ने लिखा है। इसमें एक छोटी सी बच्ची मैरी और उसका प्यारा सा भेड़ का बच्चा होता है। एक दिन मैरी जब अपनी स्कूल जाती है तो वो भेड़ का बच्चा भी उसके पीछे आ जाता है। स्कूल में सारे बच्चे उसे देखकर खूब हंसते हैं और खेलते हैं। आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। मैरी हैड अ लिटिल लैम, इट्स फ्लीस वाज व्हाइट एज स्नो। मैरी के पास एक छोटा भेड़ का बच्चा था, उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट दैट लैम वॉज शो टू गो। और हर जगह वह मैरी जाती थी, उस भेड़ के बच्चे को जरूर जाना होता था। He followed her to school one day. That was against the rule. एक दिन वह मैरी के पीछे स्कूल को गया, जो नियम के विरुद्ध था। It made the children laugh and play to see a lamb at school. एक भेड़ के बच्चे को स्कूल में देखने से बच्चे हंसे और खेले। And so the teacher turned him out, but still he lingered near. और इसलिए अध्यापक ने उसे बाहर कर दिया, लेकिन फिर भी वह पास में देर तक रुका रहा। And waited patiently about till Mary did appear. और उसने मैरी के दिख जाने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। And then he ran to her and laid his head upon her arm. और तब वह मैरी की ओर भागा और उसकी भुजाओं पर अपना सर रख दिया। As if he said, I am not afraid, you will keep me from all harm. मानो जैसे उसने कहा हो कि मैं डरा नहीं, तुम मुझे सारी मुसीबतों से दूर रखोगे। I hope you liked my video. So like, share and subscribe and press the bell icon for more videos. Thank you for watching.